हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 अक्टूबर और मैं कुछ दिन से विंटर गार्डन की प्रिपरेशन में हूँ। आज भी थोड़ा सा काम किया है और ये जो वीडियो मैं बनाई थी ना, 10-12 दिन पहले मैं ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। और जिस दिन मैं वीडियो बनाई थी ना, उससे 2 दिन पहले मेरे यहाँ बारिश हुई थी, तो मेरा जो ये मिट्टी है ना, थोड़ा सा गीला हो गया था, तो थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए, ड्राई होने के लिए मैंने ऐसे फैला दिया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप मिट्टी के पॉट देख रहे हैं, मैंने क्लीन किया। कलर करना बाकी है, अब तक मैंने कलर किया नहीं है, मैं कलर लाऊंगी, उसके बाद मैं कलर करूँगी। तो पॉट को एक सूखे कपड़े से अच्छे से मैंने क्लीन किया ऐसे, और ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने ठीकरी को रख दिया और फिर मैंने पॉटिंग मिक्स भर दिया, ठीक है। और पहले ना, जब मतलब पिछले साल भी मैंने ऐसा किया था, एक साथ में मैं बहुत सारे पॉटिंग मिक्स रेडी करती थी, एक साथ में मैं रेडी करती थी मिट्टी के साथ जो भी मिलाना होता था। लेकिन हाथ में चोट लगने के बाद ना, मैं बहुत सारे मिट्टी को एक साथ में मैं पॉटिंग मिक्स रेडी कर नहीं पाती हूँ, हाथ में दर्द होने लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने मतलब कि 1-2 पॉट के हिसाब से मैंने मिट्टी साथ में जो भी मिलाना होता है, इस तरह से मिक्स करके मैंने पॉट में भर दिया है ना। तो मैंने ऐसा किया है, ऐसा करना चाहिए कि हम भी खुश हो, हमारा शरीर भी ठीक रहे और काम भी हमारा ठीक ठाक हो जाए। तो मैं वो हमेशा देखती हूँ, खुद को भी देखती हूँ, प्लांट्स को भी ठीक से मैं देखती हूँ। मैं मतलब कि खुद को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके ये काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर आपको 14 ये मिट्टी के पॉट दिखाई दे रहा है। बीच में मैं मार्केट गई थी और एक प्लांट लाई थी, क्रोटोन के प्लांट, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से एक छोटे प्लांटर लेके मैं उसमें मैं लगा दी थी, ठीक है। और जिस दिन ये वीडियो बनाई थी, मेरे पास ना कोकोपीट था नहीं, इसलिए उस दिन मैं हैंगिंग प्लांटर में मैं वो पॉटिंग मिक्स नहीं भर सकी। और फिर ये हमारे यहाँ फिर 3-4 दिन बहुत बारिश हुई और ये छोटा सा वीडियो मैं बनाई थी, ठीक है। तो उस दिन मेरा फिर बीच में कुछ मतलब कुछ दिन मैं काम नहीं कर पाई थी जो करना था, तो आज मैंने थोड़ा सा कर लिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे वीड्स भी उगने लगा है, ये देखिए उगाए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है और ये वीड्स ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करता है। तो ये देखिए पॉट में छोटे छोटे वीड्स सब उगाए हैं। तो आज हैंगिंग प्लांटर में मैंने पॉटिंग मिक्स भर दिया है। और हैंगिंग प्लांटर में जब भी मैं पॉटिंग मिक्स रेडी करती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा मिट्टी कम लेती हूँ और कोकोपीट ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि ये हैंग करके रखती हूँ ना, तो इसीलिए लाइट वेट हो, इसीलिए ये कोकोपीट मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। जो भी मिलाना होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम केक और फंगिसाइड, ये बोन मिल, ये सब मैं मिलाती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा 2 बड़े साइज़ के मैंने पॉट लिया है, और मिट्टी के पॉट, इसमें भी मैंने पॉटिंग मिक्स आज भर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मैं रेडी होती हूँ विंटर गार्डन रेडी करने के लिए। और ये देखिए फिर मैंने सारे पॉट में पॉटिंग मिक्स भर दिया और जगह को क्लीन करके ऐसे सेट कर दिया। अब कुछ दिन ऐसे ही मैं रखूँगी। और जहाँ से मैं पॉटिंग मिक्स लाती हूँ ना, मतलब कि प्लांट्स लाती हूँ, नर्सरी में मैंने फ़ोन किया था, तो जो भी प्लांट्स मुझे चाहिए अब तक सब आए नहीं है, इसलिए मैं वो सीडलिंग्स प्लांट्स में ला नहीं पाई। तो कुछ दिन बाद मैं जाऊंगी, फिर लाऊंगी। और ये देखिए ये क्रोटोन के प्लांट मैं बीच में लाई, और जो मिट्टी के पॉट मैंने रेडी किया था 14 मिट्टी के पॉट, तो एक पॉट को लेके इस प्लांट में प्लांटर में मैं वो क्रोटोन के प्लांट लगा दी। तो 13 पॉट मिट्टी के पॉट रह गए और आज 2 मिट्टी के पॉट में मैं लगाई, बाकी ये हैंगिंग प्लांटर है। और भी कुछ प्लांटर में मुझे प्लांट लगाना है जो गेट के ऊपर मैंने हैंग करके रखा है पॉटल कंटेनर, और यहाँ पे जग में मैंने वो कोकोपीट रख दिया, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ प्लांटर में कोकोपीट चाहिए, मतलब हैंगिंग प्लांटर है। तो मैं इस तरह से मैं काम करती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके। और कलर लाऊंगी, उसके बाद मिट्टी के पॉट में भी मुझे कलर करना है। तो विंटर गार्डन रेडी करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और मैं एकदम लास्ट में ना सब काम हो जाता है, उसके बाद मैं प्लांट लाने के लिए नर्सरी जाती हूँ। बार बार जाना नहीं पॉसिबल होता है, तो फ़ोन करके एक बार पूछ लेती हूँ कि सब आए हैं या नहीं। अगर आ जाते हैं सब सीडलिंग्स जो भी मुझे चाहिए, तो जाती हूँ। फिर मैं रुक जाती हूँ जब फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि सब आए हैं या नहीं, फिर जाती हूँ, फिर लेके आती हूँ। तो ऐसा ही कुछ काम करना अभी बाकी है मेरे। ये जो प्लांटर आपको दिख रहा है, अब तक फूल खिल रहे हैं तो हटाने की मन नहीं कर रहा है, तो मैंने अब तक रहने दिया है ये पर्सिलियन पोर्चुलाका के प्लांटर में।
तो प्लांट को, तो ये प्लांट भी मुझे हटाना है और इसमें भी मुझे विंटर के प्लांट्स लगाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही शेयर करना था। ओके बाय।